हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसके अंदर हम आ गए टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में कि ये होता क्या है, कौन कौन से फ्लो होते हैं। तो पहला हो गया हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो देखते हैं क्या है। अ स्टडी फ्लो इज द वन इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द गिवन स्पेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बोल रहे हैं कि हम स्टडी और अनस्टडी फ्लो कैसे बताएंगे। स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो ऐसे बताएंगे कि जैसे हमारे पास एक पाइप है, एक पाइप से पानी आ रहा है, तो जितना पानी यहाँ से आएगा उतना पानी यहाँ से निकल जाएगा, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन है A1V1 = A2V2 हमारा। तो जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल जा रहा है हमारा, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है निकलने की, अगर यहाँ से पानी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे भी हमारा 5 मीटर पर सेकंड से ही निकलेगा। अगर यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो यहाँ से भी 10 मीटर पर सेकंड से ही निकलेगा। तो ये हो गया हमारा स्टडी फ्लो। बट अगर हम, जैसे कि हमारे पास टैंक लगा रखा है हमने, ठीक है, अब टैंक के अंदर, टैंक से यहाँ पे आपने टैप खोल दिया, तो टैप खोलने के बाद स्टार्टिंग में पानी तो बहुत तेज तेज आएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पानी कम होने लगेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और पानी की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, पानी धीरे धीरे आने लगेगा। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि वाटर प्योरीफायर हो गया। वाटर प्योरीफायर में जब पूरा पानी भरा होता है तो आप देखेंगे, अगर आप टैप खोलते हैं उसका, तो भी बहुत फास्ट पानी आता है। बट धीरे 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 जैसे पानी उसका ख़त्म होते रहता है, तो वैसे वैसे जो उसकी वेलोसिटी होती है पानी की, वो कम होती जाती है। वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि वो पानी अनस्टेडी हो जाता है। तो अनस्टेडी का मतलब है कि आप कुछ भी करिए बट जो उसका फ्लो है वो आप कांस्टेंट रखिए। तो जैसे इसके अंदर हमारे टाइम, जैसे हमने 0 सेकंड पे हमारा कुछ था, ठीक है, हमारी वेलोसिटी थी हमारी कुछ, हमारे हमने 10 सेकंड पे चेक की हमारी 5 थी, हमने 20 सेकंड पे चेक की हमारी 5 थी, मतलब कि कंसिस्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको, इसमें हम देखेंगे डेल वी बाई डेल टी जो कि हमारा होगा 0 और डेल पी बाई डेल टी होगा हमारा 0। तो ये होता है हमारा स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद आते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। अ यूनिफॉर्म फ्लो इज द वन इन विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें ये बता रहे हो, जैसे मैंने स्टडी एंड स्टडी में आपको बताया था कि जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर जितना हम बोल रहे हैं उतना ही आ रहा है हर बारी। अगर मैंने यहाँ पे मैंने टैप खोला, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड मैं देख रहा हूँ, तो उसी उसी स्पीड से आए जा रहा है। कितना भी टाइम हो रहा है, देखो आप टाइम बढ़ता जा रहा है बट जो हमारी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। बट इसके अंदर क्या होगा, हमारा टाइम चेंज हो रहा है, हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है, बट हमारी स्पीड कॉन्स्टेंट है। जैसे 5 5 5 10 10 10, ये है कि हमारे अलग अलग जगह पे पानी जा रहा है, अलग अलग जगह पे हमारा फ्लूइड जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। 10 10 10 5 5 5 है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद आते हैं हम लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पे। तो हमारा लैमिनार फ्लो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई हमारे पास पानी है, ठीक है, अब हमने पानी को छोड़ दिया। तो हमने जब पानी को छोड़ा तो वो एक लेयर बाय लेयर जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिगरेट का एग्जांपल हो गया। तो सिगरेट में क्या होता है कि जैसे हमारी ये सिगरेट हो गई, हमारा स्टार्टिंग में धुआं निकलता है यूँ आराम आराम से, लेयर बाय लेयर, बिल्कुल लेयर बाय। उसके बाद क्या होता है, यूँ हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट है वो हो गया हमारा टर्बुलेंट, और जो लेयर वाइज होता है वो होता है हमारा लैमिनार। तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे होगा, जैसे नदी होगी, रिवर होगी, उसके अंदर पानी यूं यूं हिलते हो जाता है बिल्कुल। तो वो हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो। और हमारा लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो हो गया जैसे हमारे घर के जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर हमारा जो फ्लो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, तो फिर वो हो गया हमारा लैमिनार फ्लो। उसके बाद आते हैं हम रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो पे। चलो मैं इसका एक बार आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एक बार रीड भी कर देता हूँ मैं। अ लैमिनार फ्लो इज द वन इन विच द फ्लूइड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर एंड देयर इज नो इंटरमिक्सिंग। द फ्लो विल जनरली अकर्स एट हाई वेलोसिटी एंड लो वेलोसिटी। है लैमिनार फ्लो का बताया इसने, जैसे फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, इज द वन इन विच देयर इज अ ह्यूज ऑर्डर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड देयर विल बी जनरली अकर एट द हाई वेलोसिटी एंड लो विस्कोसिटी।
तो इसका हो गया फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। अब हम देखते हैं रोटेशनल और इरोटेशनल। अ रोटेशनल फ्लो इज द वन इन विच द फ्लूड पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मतलब कि अपने एक्सिस पे ही अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो हो गया हमारा रोटेशनल। फॉर अ रोटेशनल फ्लो टॉर्क इज रिक्वायर्ड विच इज क्रिएटेड बाय द शेयर ड्यू टू द विस्कोसिटी, हेंस विस्कोसिटी इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर द रोटेशन। ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा इरोटेशनल है, तो इरोटेशनल में क्या, जैसे मैंने यहाँ पे स्माइल बना रखी है, सारी सेम है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूलों से जुड़ा हुआ है, तो इससे एक मॉलिक्यूल हमारा बाकी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है और देख रहे हैं आप कि एक ही मॉलिक्यूल के अराउंड वो घूम रहा है, ये हमारा हो गया इरोटेशनल। अब रोटेशनल में क्या हो गया कि अपने एक्सिस पर ही घूम रहे हैं, आप देखिए अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं और जैसे एक मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं और वो भी घूम रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रोटेशनल और रोटेशनल। तो गाइस ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो, थोड़े की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है फ्लूइड फ्लो की। ये ज़्यादा नहीं पूछता फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो ज़्यादा पूछता है वो है कि हमारी स्ट्रीमलाइंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि स्ट्रीमलाइंस जो होती हैं उनसे हम वेक्टर निकालते हैं, उससे हम लोकेशन निकालते हैं कि किस लोकेशन पे गया हुआ है पार्टिकल्स, हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।